गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है वेक एंड बैठ किचन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं टाइम 2:58 हो रहा है। 2:58 दिन का नहीं रात का, ठीक है। अब आप बोलोगे ये रात को वीडियो क्यों स्टार्ट कर रही। रात को इसलिए कर रहे क्योंकि हम रात को बाहर जाके देखेंगे कि मुंबई में रात को 2-3 बजे क्या मिलता है, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि मुंबई में भाई कोई भूखा नहीं रहता कितना भी बजे। तो आज ये चीज हम जाकर के खुद ही देखेंगे भाई, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है और भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है क्योंकि हम कुछ भी नहीं खाया। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले क्या मिलता है। तो चलो आ जाओ, आ जाओ सच में। अरे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुई है। सो भाई हम लोग इधर से पार हो रहे थे और ये देखो मतलब गणपति जी आने का तैयारी चालू हो गया है हमारे मुंबई में सागर। yes, yes. तो अभी गणपति जी आने वाले हैं और वो पूरा खूब सुंदर सुंदर है। कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत जल्दी आपको लेने के लिए आएंगे। आप अभी बैठे रहिए, बहुत जल्दी आएंगे आपको लेने के लिए। चलो ये हमारे सर इतने अच्छे इतने रात को खिला रहे हमें, इतनी भूख लगी थी। ये देखो ये भी जा रहे हैं, अभी ये लोग भी जा रहे हैं। ऑलमोस्ट नसीब देखो, ऑलमोस्ट भाई 3:30 बज चुके हैं और पूरा खत्म हो गया है, कुछ है ही नहीं भाई। और थैंक यू सर जी, वेलकम वेलकम सर, बहुत भूख लगी थी हमें और आपने इतना मदद किया हमको। इतने रात को सिर्फ भैया हम लोग को मिले हैं और वो हम लोग को पाव भाजी रिक्स में खिला रहे हैं और एकदम एंड खाना आपके पास के लिए हम लोग को मिल गया। तो अभी हम लोग गाड़ी में लिए और इतना अच्छा से हम लोग इनका गाड़ी भी देखो कितना मस्त है पूरा एकदम। मैंने आपको देखा है, वही मैं बोल रहा हूँ। उनके साथ में भी है ना अपना संकेत। मैं एक्चुअली आपने बोला ना तो मैं थोड़ा सा कि आप हो सकते हैं कुछ नहीं, बस बस ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग का फोटो ले लूँ? हाँ पक्का। तो भाई फर्स्ट टाइम खा रहे हैं इतने रात को और भूख बहुत तेज की लगी। तो इधर आओ बताते, इधर आओ देखो पूरा बटर डाल करके और उन्होंने इतना अच्छा से सर्व किया। और सबसे बड़ा बात कि उन्होंने पहचान लिया भाई कि भाई आप तो कोई हो ना, और इतना अच्छा से उन लोग ने किया। और मस्त जो इनका पाव देखो ना यार, स्ट्रीट का ना पाव भाजी एक अलग ही फील आता है, पूरा एकदम मस्त बटर से मसाले से लिपटा हुआ। और ये प्याज और ये नींबू पूरा मस्त ऐसे डालने का टेस्ट करते यार, इतने रात को पाव भाजी खा रहे मस्त टाइम। स्ट्रीट का पाव भाजी का कुछ कहना ही नहीं, मतलब लाल जवाब है। पूरा रोज ये सब पूरा रोज खाते हैं, पूरा रोज। और ये पहली बार लाइफ में रोड के बीच में खा रहे हैं। भूख के मारे मेरे से रहा नहीं जा रहा। अभी ये खत्म करते हैं और आगे देखते हैं कि अभी क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इतना भाई सन्नाटा रोड में। लेकिन हम लोग खोज तो निकालेंगे कुछ ना कुछ, जैसे कि मुश्किल से पाव भाजी निकाला खोज के, कुछ ना कुछ जरूर निकालेंगे। तब तक हम खा के मजा लेते हैं। सागर रुक 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 रुक, इधर कुछ तो मिल रहा है, रुक 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 रुक, बहुत भीड़ है, चल कुछ तो मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ, भूख लगा भाई, कुछ तो मिल जाए, तू साइड में रोक दे। सो अभी हम लोग को फाइनली दूसरा आइटम मिल गया, इडली और मेंदू वड़ा। ये हम आज तक सुबह खाए, रात को नहीं खाए, पर आज हम फर्स्ट टाइम रात को खा रहे हैं। इसका प्राइस है 40 रुपीज़। और हम लोग दुकान से थोड़ा दूर आए हैं क्योंकि उधर में कैसा पुलिस का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो लोग शूट करने नहीं देते और बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो हम इधर इसलिए आए। तो अभी टेस्ट करते हैं रात की मेंदू वड़ा और इडली। हम अच्छा है, साइज देखना। इतना तो मेरे को लगता सागर आराम से कितना खा लेगा, 40-50 तो खा लेगा आराम से ना, आराम से खा लेगा। ये फिनिश करते हैं और खोजते हैं कि और क्या मिल सकता है इतने बजे। और कितने बज रहे हैं, 1 मिनट का तो टाइम देखना भी जरूरी है भाई साहब। 3:41 को हम ये खा रहे हैं, मतलब हम सोएंगे कब और उठेंगे कब, पर कोई बात नहीं, जल्दी खत्म कर लेते हैं। क्या मिल रहा था, क्या मिल रहा था? मसाला डोसा। अरे भाई रात को मसाला, ए मार देंगे। 70 रुपए का। 70 रुपए का, थोड़ा एक्सपेंसिव है। देखो भाई साहब, यार क्या मस्त है यार, देखना
और अभी टाइम कितने हो रहे सागर? 3:50 भाई साहब। मैं तो गरम-गरम खाऊंगा। ए सागर सागर सागर, ये मेरा शूट है, तू क्यों कर रहा है ओए? ये मेरा है भाई, दे मेरे को। टेस्ट करके बता कैसा है। भाई सुपर्ब गरम है, मजेदार, सुपर्ब गरम। क्या लगता है वर्थ है 70 रुपीज? वर्थ है, थोड़ा एक्सपेंसिव है 70 रुपीज, बट ठीक है वर्थ है। और देखना क्या क्या डाला है, पर मस्त ना सब चीज। और डोसा भी काफी बड़ा था, बहुत गर्म है। तो अभी ये हम और सागर जल्दी खत्म करते, क्योंकि सागर के मुंह में पानी आ रहा है इसको देख करके। उसके बाद देखते और क्या मिलता है, बहुत कुछ खाने वाले हैं। आ जाओ खाओ खाओ खाओ। प्रिया ये जो दिख रहा है स्कूल, हाँ हाँ हाँ, ये स्कूल में रोहित शर्मा पढ़ता था, हाँ, अपना इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन। ओ भाई हाँ, ऐसा आप सुने हैं कि वो बोरोली में ही स्कूल में पढ़ता था, बट ये स्कूल है। तो ये रहा हमारा बन मस्का। और एक सच बात बता रहे, ये सीरियसली सच बात कि मेरे को शादी को 2 साल हो गए और हम आज तक कभी बन मस्का नहीं खाए, कभी नहीं खाया। ऐसा सुने कि मुंबई का बन मस्का बहुत फेमस होता है, लोग बहुत खाते, बट हम कभी नहीं खाए, ये हम फर्स्ट टाइम खा रहे हैं। इसके अंदर पूरा बटर और जैम वैम डाल करके मस्त है यार, टेस्टी है। मतलब बन मस्का वो हुआ जो हम लोग ब्रेड जैम करते हैं ना, बट बटर वटर डाल के मस्त लग रहा है। तो इसका प्राइस था 40 रुपये पर पीस, पड़े हैं 10-10 रुपये। कोई बात नहीं, ख़त्म करते हैं और देखते हैं कुछ मिलता है इतने रात को, तो वो भी खा के आपको बताते हैं। तो सुप्रिया गई है वो शॉप में, वो जो दिख रहा है ना वो शॉप में गई है, अभी देखते हैं क्या लेके आती है। क्या लेके आई? तुम्हारा फेवरेट, तुमको देंगे नहीं, आइसक्रीम 17 रुपए का। क्या है, क्या लेके? कुल्फी। कितने बजे कुल्फी खा रही है? रात को नहीं खा रहे हम, सुबह के 4 बजे, मतलब 4 बजे और बस सुबह हो जाता है। चलो सुबह। भाई इतने रात को खा खा के मेरा पेट भर गया है, अब मेरे में ताकत नहीं है कुछ खाने का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खा चुके हैं। सो यही था हमारा आज का स्पेशल वीडियो, जो कि आपको रात 3 बजे आप वो देखो, उस टाइम पे हम लोग ने आपको दिखाया कि क्या क्या स्ट्रीट फूड मिलता, जो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आपको सबसे बेस्ट डिश क्या लगता है वो मेरे को कमेंट्स करके बताना। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अभी जाकर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आपने अब तक वेकिंग माइंड किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब करो। तब तक खाओ पियो और मौज करो। बाय।